पीस थे टोटल, जिनमें से जो जिंदा बचे हैं वो थे 22-23 पीस थे जो कल मैंने सेल कर दी। और लॉस की बात करूं तो लॉस जो है ना वो तकरीबन 19। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद नवाज और आप देख रहे हैं YouTube चैनल व्लॉग्स बाय असदुल्ला। अल्लाह के फजल से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ऑफिस पहुँच चुका हूँ मैं और टाइम हो चुके तकरीबन 11 बज चुके हैं, लेकिन जिस टाइम मैं ऑफिस आया हूँ उस टाइम जो टाइम था वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैं किस टाइम ऑफिस पहुँचा हूँ और व्लॉग मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। टाइम देख लिया जा भी, आज तो मेरा ख्याल से कोई करिश्मा ही हो गया कि मैं टाइम से पहले ही ऑफिस आ गया हूँ आज। और मौसम की बात करूँ तो मौसम आज जो है ना इंतहाई VIP और लग्जरी टाइप मौसम है, और धूप भी अच्छी खासी है। अभी थोड़ी देर जो है ना वो धूप छूप इंजॉय कर लूँ। I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion. Your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. आज जो है मेरे पास एक और बाइक था पहले छोटा क्राउन का, तो आज उसकी भी ट्यूनिंग सर्विस वगैरह का नंबर लग गया है। आज उस पर भी तरस खाया गया है, अभी वो भी ट्यून हो रहा है। तो और जो उसके अलावा मेरे पास मिनी फार्म था, जो उधर मतलब चिक्स वगैरह थे या जो भी था, वो भी जो है ना कल 16 डेट थी और कल जो है ना मैंने उनको सेल कर दी है बिल्कुल 2 महीनों के बाद, मतलब कि ना दिन ऊपर ना दिन नीचे। 100 में से जो मेरे पास बचे थे, मेरे पास थे 100 प्लस थे, 105-6 पीस थे टोटल, जिनमें से जो जिंदा बचे हैं वो थे 22-23 पीस थे जो कल मैंने सेल कर दी हैं। उनके मरने की वजह एक तो वायरस थी, रानी खेत वगैरह का कोई इश्यू था, उसके अलावा भी मेरा ख्याल एक दो किस्म के उनमें वायरस थे। और अभी जो है ना एक दो दिन से दोबारा वो मरना स्टार्ट होना शुरू हो गए थे, डेली एक दो मरना शुरू हो गए थे। हालांकि मैंने इनकी वैक्सीन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और कल मैंने इनको सेल कर दी है, और टोटल मैंने इनको सेल किया है जो मेरा ख्याल से 1700 रुपये में, 1700 रुपये में। और अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इनको परचेज़ किया था कोई 12,500 में। मैंने परचेजिंग भी महंगी की थी क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और सेल किया मैंने इनको 1700 में। सिर्फ इनको जो मैंने इनकी फीड वगैरह डाली है, 1 महीना मैंने इनको फीड पे पाला है ताकि आगे जो आने वाला सर्दी का मौसम था वो ये बर्दाश्त कर सकें। सर्दी तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन वायरस ने जो है ना काम शाम वगैरह सारा ख़राब कर दिया, और कल मैंने इनको फिर सेल कर दिया है। और लॉस की बात करूं तो लॉस जो है ना वो तकरीबन 19,300 या 400 रुपये का लॉस है मुझे, क्योंकि इनका जो फेवरेट मौसम था वो फरवरी वगैरह के एंड में इनको रखना चाहिए था, लेकिन मैंने इनको रखा है 16 नवंबर।
जिस भाई ने भी ये चिक्स वगैरह का काम शाम वगैरह शुरू करने हैं या शौकिया पालने हैं, तो जिसको शौक होता है वो तो पाल लेते हैं, और जिसने कारोबार की नीयत से इनको पालना है ना, तो उस भाई के लिए मेरा ये मशवरा है कि पहले तो इनको जो है ना मौसम ना तो ठंडा हो ना बिल्कुल गर्म हो, इस मौसम में रखो ताकि ये जो है ना गर्मी भी बर्दाश्त कर दें और सर्दी भी बर्दाश्त कर दें। दूसरा, इनको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में रख के देखो, मतलब 1 केजी ले लो, 1 केजी में तकरीबन कोई 16-17 पीस आ जाते हैं आराम से, तो वो रख के आप एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके देख लो ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो जाए ये पल सकते हैं या नहीं पल सकते। और दूसरा जो है ना, मैंने भी ये यूट्यूब की वीडियो देख देख के जो है ना हलाशेरी पकड़ ली थी कि मैंने भी इनको रखना है, और एक दिन मैंने वीडियो देखी है टका के कि इनको कैसे रखा जाता है, किस माहौल में रखा जाता है, वो सारा इसका मैंने वो सिस्टम एक ही दिन में बनाया है। अगले दिन जाके मैं चिक्स लेके आ गया था, और मैंने कितने चिक्स लिए थे वो थे तकरीबन कोई मेरा ख्याल से 12-13 किलो थे, जिनमें से आधे मैं मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं इनको जो है ना बोरियों में लेके आ गया था, वो आधे बोरियों में ही मर गए थे। और जो है ना उसके बाद जो बाकी बचे हैं वो पहले तो 15-16 दिन कोई भी नहीं मरा, उसके बाद फिर एक एक करके मरना शुरू हो चुके थे पहले ही, और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। और मेन जो वजह मैंने वैक्सीनेशन इनकी जो है ना की ज़रूर है, लेकिन आफ्टर टाइम की है, टाइम भी नहीं था मेरे पास, लेकिन जब तक वैक्सीन की है तब तक जो है ना नुकसान हो चुका था, और वैक्सीन भी तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा इनकी कर दी थी, वो भी वजह बनी कि मैंने दवाइयाँ चेंज कर कर के जो है ना इनको दी हैं, जिसकी वजह से इनका हाजमा वगैरह भी और जो रिएक्शन होता है दवाइयों वगैरह का वैक्सीन का वो भी इनको हो गया था। ये देख सकते हैं खाली हो गया सारा इनका घर, कोई इसमें चूज़ा वगैरह अब रह ही नहीं गया, क्योंकि ये सारे जो है ना मैंने सेल कर दिए। ये बड़े अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, ये अंडे दे रही हैं अभी, इनको नहीं अभी सेल करना मैंने। ये इसकी हालत देख सकते हैं कैसी हालत हुई है इसकी, आज इसका भी नंबर लग गया है, इसके भी ट्यूनिंग श्यूनिंग वगैरह आज हो जाएगी, हालत चेक करो बस। ये भी अपने हाथों से गुजरा हुआ बच्चा है, इधर गाल सुन, हाँ ना एक मुबलैल का डब्बा लेके आ PSO वाले पंप तो, बाद जी फिर वो सामने ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाओ, सर्विस भी कराओ यदि। ये जो आज मैंने वॉच पहनी हुई है, ये मेरा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त है, मेरी बर्थडे पे उसने मुझे गिफ्ट की थी, तो आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना हुआ है। वैसे मुझे अभी ये वॉच वगैरह पहनने का कोई शौक नहीं है, काफ़ी जो स्पेशलिस्ट हैं पर्सनैलिटी के हवाले से उनका भी यही कहना कि वॉच के बगैर जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पूरी नहीं होती, लेकिन शौक होता है हर बंदे को ये वॉचेस वगैरह का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शौक बयान नहीं मैं कर सकता। मैंने एक क्वेश्चन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि पुल डग्गा को पुल डग्गा क्यों कहते हैं, तो 2-3 बंदों ने वैसे तो बताया, हकीकत बात यही है कि 2-3 बंदों ने बताया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे जी इतने कमेंट आए ये वो, कोई भी नहीं, सिर्फ 2-3 बंदों ने बताया कि एक तो ये कि वहाँ पे डग्गा कौम है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले वहाँ पे मेरा ख्याल में कहते हैं कि पुल वगैरह नहीं था कोई, ये पुल जो जिसको कहते हैं पुल डग्गा ये बाद में बने, जिसकी वजह से जो है ना उस पुल का नाम पुल डग्गा बन गया,
इस वजह से उसे फूल डग्गा कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी है, और शुक्रिया उन भाइयों का कि जिन्होंने मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दी है बता के डग्गा कौम की वजह से जो है ना फूल डग्गा कहा जाता है। तहे दिल से उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे रहीमिया खान वाले कुछ दोस्त जो है ना वो इस बात से नाराज़ हो गए कि मैं रहीमिया खान आया हूँ लेकिन उनसे मिल के नहीं गया। तो भाई साहब मैं 4 बजे सादिकाबाद से निकला हूँ और उसके बाद टाइम ही नहीं था बिल्कुल। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा ये अगला जो जुम्मा आएगा तब या फिर किसी भी दिन लगा तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात मैं ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ जी मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी सेट ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।